ठीक है वेरी सपोर्टिव अपना इंट्रोडक्शन खुद देगा ठीक है जी मिठाई खाए सब मिठाई अपना इंट्रोडक्शन खुद देगा बोलो अपना नाम बोलो अपना नाम से मेरा नाम मोहम्मद वकार है पाकिस्तान का रहने वाला हूँ मियाँ वाली शहर म्याना मोहल्ला नई आबादी लश्कर तैयबा से मेरा ताल्लुक है उम्र 27 साल आप सामने देखो आवाज़ खुल जाएगी 2017 चार महीने की मुजफ्फराबाद जी ये कहा गया था कि यहाँ पे बच्चों के ऊपर जुल्म किया जाता है औरतों के साथ गलत किया जाता है मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ी पढ़ने देते मुसलमानों को मुसलमानों के घर गिराते हैं ज्यादती करते हैं क्या देखा आपने ऐसा पाया आपने क्या? नहीं ऐसा पास बाद में करेंगे ठीक है आप बताएंगे डिटेल जी नहीं किसी अटैक में वेट करो चलो ठीक है मैं अभी लिखूंगा डिटेल डिटेल प्रेस ब्रीफिंग में आपको दे दूंगा सब प्रेस के ठीक है क्योंकि एक दिन पहले से पढ़ा गया जस्ट मंडे आप बैठो जी फरमाइए इसका नाम मोहम्मद वकार कोड इसका है छोटा दुजाना आई विल गिव द डिटेल्स प्लीज मोहम्मद वकार आवान ये जो आपने अभी देखा इसका नाम है मोहम्मद वकार आवान कोर्ट छोटा दुजाना रेजिडेंट ऑफ मियाना मोहल्ला मियांवाली पंजाब पाकिस्तान 2017 जुलाई में यहाँ पे आया है क्रॉस करके एंड ही वाज एक्टिव इन हंगवारा एरिया आफ्टर दैट ही वेंट टू श्रीनगर और पिछले पौने दस साल से ये श्रीनगर में मुख्तलिफ जगहों पर ऑपरेट कर रहा था विद इन श्रीनगर सिटी एंड ऑन परसों जब ये यहाँ से जा रहा था वापस टुवर्ड्स बारामूला की तरफ तो नाके में ये दो लोग थे जब वहाँ पे हमारी पुलिस पार्टी ने नाके को रोका तो जो गाड़ी का ड्राइवर था उसने गाड़ी वहाँ पे जो चौकी अफसर था उसकी रक्षक पे मार दी और भाग गया वहाँ पे अल्टीमेटली दे चेज देम तो इन्हें आगे कोई 1.5 किलोमीटर जाकर जो अंदर गांव का रास्ता था बीच वाला वहाँ गाड़ी छोड़ दी तो पैदल भागे पानी के बीच में से तो लड़कों ने इनको चेज करके बड़ी मुश्किल से इसको ओवर पार कर लिया था बाद में पता चला कि ये पाकिस्तानी है और जो उसके साथ दूसरा कश्मीरी ड्राइवर था इज़ ए लोकल कश्मीरी पर्सन डेट्स ऑल अभी तक इतनी चली है इन्वेस्टिगेशन तो जो भी इसमें डिटेल्स आएंगे वो विल शेयर अकॉर्डिंगली बिल्कुल लोकल वो भी पकड़ा गया क्योंकि वह उसका ड्राइवर एंड द कंड्यूट वही उसको ले रहा था आगे डेस्टिनेशन पे कहाँ ले रहे थे दैट इज द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो हम कर रहे हैं कि कहाँ ले रहे हैं लेकिन इतना मैं बताऊँगा जो हमारे पास इनपुट था ये कि जो आपको पता है कि पिछली बार जब बारामूला को डिक्लेयर किया था फ्री ऑफ मिलिटेंसी तो इनको बड़ा प्रेशर था कि वहाँ से फिर से ये रिवाइव करें मिलिटेंसी तो उसी मकसद के लिए बारामूला जा रहे थे फर्दर डिटेल्स विल बी शेयर इन कपल ऑफ डेज जिसमें देखिए इसके रिकवरी की वो हम डिटेल्स देंगे वो पिस्टल वगैरह जो भी इसके रिकवरी वो हम देंगे दैट इज इट वो जो हमने उस वक्त मौके पे सीज किया इसका एग्जैक्टली दीज डिटेल्स विल बी इन डिटेल शेयर विद यू क्योंकि अभी इसका इंटरोगेशन प्रिलिमिनरी चल रहा है कि इसका कहाँ का है क्या रहने वाला किस तंजीम के साथ है कब आया कहाँ कहाँ रहा तो बाकी डिटेल्स अभी इससे में नहीं पूछी गई क्योंकि इसमें जस्ट जस्ट अभी अभी आंसर क्योंकि जिस दिन इसको हमें पकड़ा था LED या he was operating in Srinagar most of the time he was in the Srinagar particularly in this jo hamara bypass ke area hai aur downtown ke kuch ilake abhi main naam nahi detail dunga kyunki usme kuch involved hain log jinko abhi ab hum identify kar rahe hain pinpoint kar rahe hain jahan ja raha hai even ki posh areas mein bhi raha hai Srinagar ke abhi tak itni detail isne bata di sir aapko input nahi aayega any kind of terror module ya so carry any attack
My finding is he was operating in Srinagar for almost 2 years. And koi tanzeem wala bekar nahi baithega 2 saal Srinagar mein. That's it. Is for with my bus. I will give the details after investigation. Thank you.